नमस्कार दोस्तों, फोटो वाले के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि मिररलेस टेक्नोलॉजी क्या रहती है, तो आज हम बात करेंगे कि मिररलेस टेक्नोलॉजी में मुझे क्या उसका अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। हर एक टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि मिररलेस टेक्नोलॉजी के कैमरेज में मुझे क्या बातें अच्छी लगी और मुझे क्या बातें पसंद नहीं आई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे कौन सी बातें मिररलेस कैमरे की अच्छी लगी। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है उसका वज़न। मिररलेस कैमरे बहुत हल्के रहते हैं अपने DSLR के कैमरे के बदले, मतलब बैग में समस्या नहीं है कभी कभी, कैमरा है कि नहीं, इतने हल्के रहते हैं। वो जो हम कंधे पे बोझा लेके घूमते थे या फिर जब हम गले में कैमरा अटकाते थे तो जो हमें यहाँ पे दर्द होता था वो अभी होता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मिररलेस कैमरे का, क्योंकि वो वज़न में सबसे ज़्यादा हल्के रहते हैं अपने DSLR के कंपैरिजन के मामले में। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी मिररलेस कैमरे की वो है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। तो उससे क्या होता है कि फ़ोटो निकालने से पहले ही हमें मालूम पड़ता है कि फ़ोटो का एक्चुअल एक्सपोजर क्या रहने वाला है, फ़ोटो कितना अंडर एक्सपोज रहेगा या फिर ओवर एक्सपोज रहेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मिररलेस कैमरे में उसके, कि हमें तुरंत मालूम पड़ता है एक्सपोजर। नहीं तो पहले हम फोटो निकालते थे ट्राई करके फिर देखते थे कि हाँ एक्सपोजर बराबर है या गलत है, लेकिन अभी फ़ोटो निकालने से पहले हमें सीधा डिस्प्ले पे या फिर व्यू फाइंडर में हमें दिख जाता है कि हमारा एक्सपोजर क्या है, कैमरा सेटिंग्स क्या है, फोकसिंग हमने कहाँ पे किया है, कितना एरिया फोकस में हो रहा है, ये हमें तुरंत ही मालूम पड़ता है मिररलेस कैमरे में। तीसरी बात जो मुझे अच्छी लगी मिररलेस कैमरे की वो है मैनुअल फोकसिंग की टेक्निक। हम जब भी DSLR में मैनुअल फोकसिंग करते थे तो हमें ध्यान से देखना पड़ता था कि हाँ हमें जहाँ पे फोकस चाहिए वहीं पे फोकस हुआ है कि कहीं और पे हुआ है। स्पेशली वीडियो शूट करते टाइम हमें यह ध्यान रखना पड़ता था कि हमारा कैमरा ने बराबर फोकस किया है कि नहीं, लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी है मिररलेस कैमराज में तो हमें तुरंत ही मालूम पड़ता है बिना जूम किए कि वहाँ पे एक रेड कलर आता है कि कौन सा एरिया हमारा फोकस में है कौन सा नहीं। तो उस हिसाब से हमें तुरंत मालूम पड़ता है कि मैनुअल फोकस में कहाँ पे फोकस हुआ है और हमें जो चाहिए वो फोकस हमें अचीव हुआ है कि नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है मिररलेस कैमरे का कि फोकस कहाँ पे हुआ है क्या नहीं वो तुरंत मालूम पड़ता है मैनुअल फोकसिंग में। चौथी बात मुझे मिररलेस कैमरे की ये अच्छी लगी कि ऑलमोस्ट हम हमारे पूरे फ्रेम में कहीं भी फोकस कर सकते थे। DSLR में हमें लिमिटेड फोकसिंग पॉइंट्स मिलते थे तो हमें वो फोकस पकड़ के शिफ्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी मिररलेस में ऐसा नहीं है। अब फोकसिंग पॉइंट्स ज़्यादा हो गए, 300, 400, 500, ऑलमोस्ट पूरा एरिया हमारा फोकसिंग पॉइंट से कवर हो जाता है। तो वो एक चिंता नहीं है कि जहाँ पे चाहे वहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। इतना ईजी हुआ है कि टच करके स्क्रीन पे जहाँ पे चाहिए वो फोकस कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत एडवांटेज लग रहा है, हमें जैसा चाहिए वैसा फ्रेमिंग हम जल्दी से जल्द कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मिररलेस कैमरे का। और यदि आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जहाँ पे करते हो, जहाँ पे आपको FPS यानी कि एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम्स चाहिए रहते हैं अगर कि वो ज़रूरत है, तो मिररलेस कैमरा आपके लिए वरदान है, क्योंकि उसमें मिरर नहीं रहता है, डायरेक्टली शटर रहता है। तो मिरर ऊपर जाके शटर ओपन होने का जो टाइम रहता है वो बचा लेते हैं, तो हमें DSLR से ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकेंड मिल जाती है। और उसी के साथ हम जब DSLR में फ़ोटो निकालते हैं तो मिरर ऊपर जाने के वजह से हमें व्यू फाइंडर में दिखता नहीं है कि हम क्या शूट कर रहे हैं, कौन से फ्रेम कर रहे हैं। तो वो थोड़े एक जितना हमारा शटर स्पीड रहेगा उस हिसाब से वो ब्लैंक रहता है फ्रेम, लेकिन मिररलेस में वैसा नहीं होता है, हमें कंटिन्यूसली दिखता रहता है हम क्या शूट कर रहे हैं क्या नहीं। बहुत बड़ा एडवांटेज है वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए, एक्शन फोटोग्राफर्स के लिए, कि हमें कंटिन्यूस दिखता रहता है कि क्या हम शूट कर रहे हैं और क्या नहीं विदाउट एनी ब्लैंक्स। तो ये जो बातें हैं ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मिररलेस कैमरे के बारे में। मैं अभी पिछले 6 महीने से EOS R यूज़ कर रहा हूँ कैनन का, तो ये बातें मुझे अच्छी लगी। और कुछ बातें मुझे पसंद नहीं आई जो मिररलेस, जो मैं मिस करता हूँ DSLR की, तो ये उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी लाइफ की। हाँ दोस्तों, इसमें मिररलेस में हमें बैटरी लाइफ थोड़ा कम देखने को मिलता है कंपेयर टू DSLR कैमरा। जैसे कि मेरे कैनन 5D मार्क 3 में मैं एक बैटरी के ऊपर आराम से 1.5 से 2,000 फोटोज़ निकालता था, लेकिन अभी वो घट के 800 से 900 आ गए हैं। बट ऑब्वियस है हमारा स्क्रीन सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, व्यू फाइंडर सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, मैन्युअली कुछ नहीं रहा है। हमारा डिस्प्ले, व्यू फाइंडर, फोकसिंग मोटर ये सब अभी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, हम ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं हमारे, तो उसकी वजह से वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो बैटरी लाइफ ये एक मेरा मेन कंसर्न रहता है हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी यूज़ हो जाए, तो ये मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है
ये जरूर इम्प्रूव होते जाएगा, बैटरी लाइफ हमें और अच्छी मिलने देखने को मिलेगी। दूसरी बात जो मुझे पसंद नहीं आई मिररलेस की, वो है कि इसमें सिर्फ सिंगल मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया रहता है। जो यूजुअली मैं शूट करता हूँ कमर्शियल्स, तो उसमें मैं दो कार्ड प्रेफर करता था, एट अ टाइम दोनों कार्ड्स में मेरे फोटोज आ जाए। तो मान लो एक कार्ड खराब हो गया तो दूसरे कार्ड में तो आ रह गया मेरा बैकअप। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि एक ही मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया है, दो मेमोरी कार्ड स्लॉट्स रहते थे तो बढ़िया रहता था। जो तीसरी बात है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मिररलेस कैमरे की, वो है लेंस चेंज करने का टाइम। हमें हर बार कैमरा बंद करने के बाद उसके लिए 2-3 सेकंड रुकना पड़ता है, वो शटर पूरा बंद हुआ है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है, फिर उसके बाद लेंस निकालो लगाओ, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। कभी कभी वेडिंग शूट रहता है तो उसमें हम जल्दी से लेंस कैमरा बंद करके निकालने की हमें SLR की आदत रहती है, तो उस दौरान उसमें सेंसर्स में धूल लगना, या फिर आप आउटडोर में कहीं पे शूट कर रहे हो तो उस टाइमिंग पे सेंसर्स आपका कैमरा सेंसर ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आगे मिरर नहीं रहता थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपने खुले में कैमरा ऑन रख के ही लेंस निकाल ली तो वो तुरंत डस्ट हमारे सेंसर्स पर लग सकती है और अपना सेंसर ख़राब हो सकता है। तो ये मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लग रहा है कि कैमरे को चालू और बंद होने में ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है कंपेयर टू DSLR। तो फ्यूचर में अगर वो टाइम थोड़ा सा कम हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि लेंसेज बदलने फटाफट हो जाएंगे हमारे। अगला पॉइंट जो मुझे पसंद नहीं आता है वो है कि ड्यूरेबिलिटी। हमारे मिररलेस कैमरे उतने मजबूत नहीं रहते जितने हमारे DSLRs रहते हैं, बट ऑब्वियस प्लास्टिक की बॉडी है, हल्की बॉडी है, तो उसके वजह से जितना हम DSLR को रगड़ते थे उतना हम मिररलेस को नहीं रगड़ सकते। उसको थोड़ा सा संभाल के हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा डेलिकेट सब इलेक्ट्रॉनिक्स है अंदर, तो वो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि DSLR अगर किधर गिर गया, छोटा मोटा हो गया तो उसमें इतना डैमेज नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक्स का है और नए जनरेशन का है कि जो यूज़ एंड थ्रो वाले कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, तो मिररलेस कैमरा हमें थोड़ा सा संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। हम जैसा DSLR को यूज़ करते थे वैसा उतना ड्यूरेबल नहीं है वो, इतना हम उसको रगड़ नहीं सकते। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो मुझे मिररलेस कैमरे की पसंद आई और जो मुझे पसंद नहीं आए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि इमेज क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है DSLR और मिररलेस में, स्पेशली अगर आप वीडियो कर रहे हो तो वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा वीडियो क्वालिटी में, और आपके काम में बहुत आसानी हो जाती है मिररलेस कैमरे की वजह से, क्योंकि फोकसिंग, लो लाइट कंडीशंस, इसमें सब ज़्यादा वो आगे है DSLR के मामले में। तो मैं आज के दिन में मिररलेस कैमरा प्रेफर करूँगा, कितने भी उसके मुझे डिसएडवांटेज या फिर कॉन्स दिख जाए, लेकिन उसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा अगर हम केयरफुली काम करेंगे तो मिररलेस आपके लिए वरदान है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है नया, और मैं इसका इंतज़ार कर लूँगा कि क्या क्या नया टेक्नोलॉजीज आती है उसमें, तो हम और आसानी से उसमें काम कर सकें और अच्छी इमेज क्वालिटी मिले। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो के लिए बने रहिए इसी अलग टॉपिक पे। आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा बताने के लिए मत भूलिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।